नमस्ते मित्रों, आज के स्वाध्याय और चिंतन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने और हम सभी ने एक निश्चय किया है कि हम प्रतिदिन एक वेद मंत्र का चिंतन स्वाध्याय करेंगे, श्रवण करेंगे, क्योंकि वास्तव में इस संसार के अंदर संपूर्ण सांसारिक और संसारिकता से परे पदार्थों का, वस्तुओं का ज्ञान कहीं यदि है तो वो वेद के अंदर है। और मित्रों, ज्ञान हमें मुक्त करता है। रिते ज्ञानान मुक्ति। आज का वेद मंत्र है वेदांजलि में, ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोसा वस्तर धिया वयम नमो भरंतये मशी। बुद्धि और कर्म द्वारा नमस्कार की भेंट। शब्दार्थ में क्या आता है? हे अग्ने, वयम हम, दिवे दिवे प्रतिदिन, दोषा वस्ते रात और दिन के समय, धिया बुद्धि व कर्म से नमस्कार की भेंटे लाते हुए तेरे समीप आ रही है। मित्रों, प्रभु को हम भला क्या अर्पण कर सकते हैं? क्या कोई वस्तु प्रभु को अर्पण कर सकते हैं? हम प्रभु को सिर्फ अपने बुद्धि व कर्म जो भी करते हैं वो अर्पण करने का प्रयास करें, अभ्यास करें। और आप कभी विचार कीजिएगा, जब ईश्वर अर्पण के लिए आपके घर में कोई यज्ञ होता है, कोई पूजा पाठ होती है या अन्य कोई यज्ञीय कार्य होता है, तो आप देखिएगा उस दिन आपके मन के भाव भोजन बनाने में बड़े ही पवित्र और बड़े उल्लासित होते हैं, बड़ा उत्साहपूर्ण होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से जो कुछ मिष्ठान का पदार्थ है वो मुझे यज्ञ में अर्पण करना है। और जो पदार्थ कुछ विशिष्ट है, ये मेरे घर में आए हुए साधु संत विद्वान जो प्रभु रूप में आए हैं उनको अर्पण करना है, तो आप देखिएगा आपके भोजन बनाने का जो उत्साह है, आपकी जो व्यवस्था करने का ढंग है वो बड़ा समर्पित होता है। ठीक इसी प्रकार से ये मंत्र कहता है कि जीवन में यदि खुशियां चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, तो प्रतिदिन हम ऐसा कर्म करें जिसको शुभ सायं एंड शुभ प्रातः काल की वेला में जब ईश्वर की भक्ति में शरण में जाएं, तो हम अपने कर्मों को प्रभु को अर्पण करते हुए संकोचित ना हो वरन प्रसन्न रहे। ये मंत्र कह रहा है कि वास्तव में अगर प्रभु की उपासना करनी है तो बुद्धि और कर्म का मेल कीजिए, यानी कि जीवन में शुभ की ओर कदम उठाएं। आइए विनय क्या कहती है। जब से हम उत्पन्न हुए, दिन के पश्चात रात और रात के पश्चात दिन आता जाता है, प्रतिदिन एक नया दिन और एक नई रात आती जाती है, इस तरह ये अनवरत अविश्रांत काल चक्र चल रहा है। इस काल चक्र में हम कहां जा रहे हैं? हे मेरे प्रभु अग्निदेव, तुमने तो ये अहोरात्र इसलिए रचे हैं कि प्रत्येक अहोरात्र के साथ अपनी आत्मिक उन्नति का दायां और बायां पैर आगे बढ़ाते हुए हम प्रतिदिन तुम्हारे निकट पहुंचते जाएं। यदि हम प्रत्येक अहोरात्र के आरंभ में अर्थात प्रातः काल और सायंकाल के समय में अपनी बुद्धि द्वारा तुम्हारे आगे झुकते हुए नमन करते हुए तथा कर्म द्वारा भी अपने नमय की भेंट तुम्हारे प्रति लाते हुए तुम्हारे लिए स्वार्थ त्याग करते हुए चलेंगे, तो ये दिन रात का चक्र हमें एक दिन तुम्हारे चरणों में पहुंचा देगा। आप कल्पना कीजिए, आज से हम 20 साल 25 साल पहले जैसे थे वैसे ही तो हैं। बदलाव क्या हुआ है?
अर्थ का बदलाव हो गया, साधनों का बदलाव हो गया, शरीर का बदलाव हो गया, लेकिन आप विचार कीजिएगा मन तो वैसा ही है जैसे हम पहले क्रोधित होते थे और तेज से क्रोधित होते हैं, जैसे हम चीजों को किसी से ईर्ष्या करते थे तो आज भी ईर्ष्या करते हैं। वेद मंत्र कह रहा है कि वास्तव में जीवन में यदि दीर्घायु स्वस्थ आयु पूर्ण आयुष्य और प्रसन्नता पूर्ण आयुष्य चाहिए तो दिन प्रतिदिन प्रभु को अपने दोषों को भी अर्पण करते हुए आगे चले। एक बहुत सुंदर संत तुकाराम जी का एक जीवन का घटना का एक उदाहरण आता है। संत तुकाराम जी आप जानते हैं महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया, अक्सर आता था। वो बड़ा क्रोधी था, बड़ा गुस्सा करता था लोगों से, बड़ा ईर्ष्या करता था। तो संत तुकाराम जी को एक दिन कहता है कि महात्मा जी एक बात बताइए, क्या आपको गुस्सा नहीं आता है? महात्मा जी बोले भाई बात सुन, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मेरी एक बात सुनो। मैंने अभी आपके जीवन को देखा है कि आपकी मृत्यु 7-8 दिन बाद होने वाली है। बोले सच में? बोले हाँ। बोले मैं भविष्य जानता हूं, तुम 7-8 दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहोगे। जैसे उस व्यक्ति ने यह सुना तो वो पूछना भूल गया कि वो महात्मा जी से क्या पूछ रहा था कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, आप किसी से ईर्ष्या क्यों नहीं करते, आप किसी को परेशानी में क्यों नहीं डालते। तो अब वो कहता है कि महाराज जी अब 7-8 दिन बचे, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए? बोले भाई ये तुम देखो, तुम्हारे पास अब समय नहीं है, जो काम है कर डालो। अब मित्रों वो व्यक्ति घर आया, घर आने के बाद जिनसे गुस्सा करता था गुस्सा करना बंद कर दिया, जिनको देख के ईर्ष्या करता था ईर्ष्या बंद कर दिया। अब केवल उसके मन में यह था अब जिंदगी कितनी है, 7 दिन 8 दिन, इसके बाद तो महात्मा जी ने आज बोल दिया मुझे मरना ही मरना है। मित्रों 7-8 दिन जब बीत गए तो व्यक्ति फिर तुकाराम जी के पास पहुंचा। तुकाराम जी ने पूछा कि भाई कैसे हो? कहता महात्मा जी कैसा हो सकता हूं, आपने तो बोला था मरना है, अब समय निकट आ रहा है। तो बोले इन 7-8 दिनों में तुमने किसी से ईर्ष्या किया, किसी से क्रोध किया, किसी की चीज का लालच किया? कहता जी कैसे करता, सामने जब मृत्यु थी पता था मरना है, तो इन सब दिनों में मैंने सिवाय प्यार किया कि जितने दिन मेरे पास बचे मुझे किसी पर क्रोध नहीं करना, सबसे प्यार करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है। इन दिनों में मैंने किसी का कोई लालच नहीं किया, क्योंकि वास्तव में मैं इन दिनों में चिंतन करता रहा कि लालच लेके मैं क्या जाऊंगा। मित्रों संत तुकाराम जी कहते हैं कि देख जिस प्रकार से तू हर वक्त इस समय तेरे सामने मृत्यु और ईश्वर रहा, ठीक इसी प्रकार से हर समय मैं ये सोचता हूं कि मेरा जीवन कितना छोटा है, मैं किसी के लिए क्रोध क्यों करूं, मैं किसी के लिए लालच क्यों करूं, मैं किसी के लिए ईर्ष्या क्यों करूं, इसलिए मैं खुशहाल और शांत रहता हूं। यही बात ये वेद मंत्र कह रहा है। मित्रों ये क्या कह रहा है? कह रहा कि नमस्कार की भेंटे लाते हुए हम आपकी तरफ आए, बुद्धि की भेंटे लेते हुए। और इसलिए आगे क्या चर्चा है, यदि हम प्रत्येक अहोरात्र के आरंभ में अर्थात प्रातः और सायंकाल के समय में अपनी बुद्धि द्वारा तुम्हारे आगे झुकते हुए नमन करते हुए कर्म द्वारा भी अपनी नमः की भेंट तुम्हारे प्रति लाए, तुम्हारे लिए स्वार्थ त्याग करते हुए चलेंगे, तो ये दिन रात का चक्र में एक दिन तुम्हारे चरणों में पहुंचा देगा। इसलिए अग्नि रूप परमात्मा देव हम आज से निश्चय करते हैं कि हम प्रत्येक अहोरात्र को प्रातःकाल और सायंकाल अपनी बुद्धि तथा कर्म द्वारा तुम्हें नमस्कार की भेंट चढ़ाते हुए यानी आत्मसमर्पण व स्वार्थ त्याग करते हुए जिएंगे। और इस तरह जहां प्रत्येक दिन के श्रममय काल में हमारा दायां पैर तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा उन्नति तो अवश्य भावी है। वेद के स्वाध्याय के द्वारा वैदिक मंत्र कह रहा है कि श्रम में काल में यानी परिश्रम से दायां पैर आपकी तरफ बढ़ेगा तो उन्नति का होगा, वहां प्रत्येक रात्रि काल में हमारा उन्नति का बायां पैर उस उन्नति को स्थिर करता जाएगा। हे प्रभु ये दिन रात इसीलिए प्रतिदिन आते हैं, निश्चय ही आज से प्रत्येक अहोरात्र में तुम्हारे समीप लाता जाएगा। आज से प्रतिदिन हम स्वार्थ त्याग द्वारा पवित्र अंतःकरण होते हुए और पवित्र अंतःकरण से प्रातः सायं तुम्हारी वंदना करते हुए प्रतिदिन तुम्हारी ओर आने लगे हैं,
हे प्रभु प्रतिदिन तुम्हारे समीप आते जा रहे हैं। मित्रों इस मंत्र का चिंतन कीजिएगा कि वास्तव में प्रभु को हम क्या भेंट कर सकते हैं, और जो भेंट नहीं कर सकते हैं उसको अब आप और मैं दोनों हम लोग अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करें। जीवन जिए तो वो जो केवल और केवल प्रभु को अर्पण हो सके। आप सभी इस मंत्र का चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, अच्छा लगे तो दूसरों को भी भेजिएगा। धन्यवाद।